नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पवन कुमार ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस साल के आखिरी तक देश के 27 मार्गों पर 18 वंदे भारत चलाने की कवायद जारी है। पहले चरण में जिन रूटों का चयन हुआ है उनमें पटना, वाराणसी, दिल्ली शामिल है। वंदे मातरम एक्सप्रेस के यात्री केवल 4 से 5 घंटे में पटना से देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिलहाल दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली से पटना पहुंचाने में 12 घंटे का वक्त लगता है। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पटना रेल मार्ग पर यात्रियों का काफ़ी लोड है। फिलहाल इस रूट पर संपूर्ण क्रांति, राजधानी और तेजस जैसी ट्रेनों का संचालन हो रहा है। बेहतर सुविधा चाहने वाले पैसेंजर्स के लिए यह ट्रेन शानदार विकल्प होगा। इस ट्रेन में यात्रियों को कई तरह की खास सुविधा मिलेगी, लोगों का समय कम लगेगा। अधिकारियों ने किराए को लेकर कोई भी बात कहने से इनकार किया। दोस्तों, आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से AC ट्रेन है। अपडेटेड वर्जन में बोगियों को बैक्टीरिया की एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस किया जाता है। इसमें यात्रियों के बैठने की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाता है। हर बोगी में 4 इमरजेंसी खिड़की होती हैं, जिससे किसी भी इमरजेंसी स्थिति में पैसेंजर को जल्द से जल्द निकाला जा सके। ट्रेन में बिजली गुल होने पर लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है। लगभग 3 घंटे का वेंटिलेशन मौजूद होता है। तमाम बोगियों में बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी होती हैं। दोस्तों, ये तो पटना से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का अपडेट था जो हमने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।